रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में जैसे बिरयानी हर दिन हर वक्त हर मौके पे बनती है, इसी तरह चिकन करी भी हर तकरीबन हर मौके पे बनती है। तो आज हम बनाते हैं चिकन करी। 3 प्याज और 1 अदरक और 1 लहसुन, अदरक का 1 टुकड़ा, इन सब चीज़ों को फ्राई करके अलग कर दिया। अब उसी ऑयल में मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ। चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और ये प्याज लहसुन अदरक और जो इन सब को फ्राई करके अलग किया था, साथ में मैंने 3 टमाटर भी मोटे मोटे काट के इसी ग्राइंडर के जग में ये सब चीज़ें डाल दी ताकि मैं इसको ग्राइंड कर सकूं। तो ये बहुत अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा प्याज लहसुन अदरक टमाटर का, जिसको हम चिकन में ऐड करेंगे। मसाले ये है, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और नमक 1 टेबल स्पून, बाकी हल्दी और धनिया पाउडर ये 1 टीस्पून 1 टीस्पून, इन सब चीज़ों को मिलाएंगे और थोड़ा सा भूनेंगे मसालों को। और इस जगह पे फ्लेम को हमने इतना हल्का रखना है कि मसाला जल ना जाए, क्योंकि मसाला जब एकदम हम गरम ऑयल में डालते हैं तो फौरन जल जाता है, तो इसलिए बिल्कुल हमने फ्लेम हल्का करना है। अब आते हैं प्याज टमाटर की तरफ। 1/2 गिलास या 1 गिलास पानी डाल के हमने उसको ग्राइंडर को चलाया, पेस्ट बन गया। तो इसको हम अब ऐड करेंगे चिकन में। मसाला भून चुका है, हमने टमाटर प्याज का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको पकाएंगे ताकि जो टमाटर प्याज में मिला हुआ पानी है या टमाटर का जूस है वो पहले ड्राई हो जाए, ताकि जो टमाटर और प्याज है वो अच्छी तरह भून जाए मसालों के साथ, तभी जो सालन है उसकी खुशबू निकलेगी और जब ये घी रिलीज़ करना या ऑयल रिलीज़ करना शुरू करे। तो हमने थोड़ी देर उसको ढक के पकाया, जब रिलीज़ हुआ तो ऑयल तो हमने इसमें जितना आपको ग्रेवी चाहिए, जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए और जितना चाहिए आप उसमें उतना ही पानी ऐड करके उसको 5-10 मिनट तक बॉयल होने दे। जब चिकन टेंडर हो जाए तो आप चूल्हा बंद कीजिए। हरी मिर्चें या काट कर या साबुत डाल दीजिए धनिया के साथ और सर्व कीजिए।